हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए होने वाली है। तो लियोज, हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके एक्स पार्टनर की आपको लेके क्या सोच है, वो आपके लिए क्या स्टेप उठाते हैं, क्या वो आपके पास वापिस आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपका पहला रिश्ता क्लोज हो चुका है, तो क्या कोई नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या कोई न्यू एनर्जी आ रही है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही आइए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। तो चलिए लियोस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे उनको लेके क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे उनको लेके क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के माइंड में इस टाइम पे जो पर्सन है उनकी एनर्जी इस टाइम पे लियोस के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे लियोस के लिए क्या है। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या होगा वो भी साथ के साथ निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोस के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप लियोस के लिए क्या होगा। डेथ का कार्ड निकला है। लियोस के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप लियोस के लिए क्या है। टू फ्रेंड्स, लियोस के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप लियो के लिए क्या है। बर्ड का कार्ड, नेक्स्ट स्टेप लियोस का लाइटली एक आउटकम सा क्या होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका सेवन ऑफ वेंड्स का आया है नेक्स्ट स्टेप के लिए। लियो राशि, आप जिस पर्सन को अपने माइंड में रख के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जी मैं आपके लिए बता दूं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर का जो एक तरह से फोकस है वो अपने करियर पे ज्यादा है और रिलेशनशिप पे कम है। मान के चलिए कि 100 में से 80% वो फोकस कर रहे हैं अपने काम पे और 20% उनका फोकस जो है वो रिलेशनशिप पे है। ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी होती है जो अपने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है बनिस्पत रिश्तों के, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आप कह सकते हो करियर ओरिएंटेड पर्सन। सेकेंडली, जो वो फीलिंग कर रहे हैं वो रिलेशनशिप से, मैं जैसे कह रही हूं आपको कि उनका फोकस जो है इस टाइम पे करियर पे है या किसी और चीज पे हो सकता है, और अदर मैटर तो कम ही है, यहाँ पे करियर मुझे ज्यादा लग रहा है। उसकी वजह से एक रिलेशनशिप में से वो क्विट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यहां से वो जा रहे हैं, उनका फोकस हट रहा है। बट ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति, हम सामाजिक प्राणी हैं, जंगल में नहीं रहते हैं ना स्पेस में रहते हैं, रिश्तों में हम वापस आते हैं। एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जी है जो परफेक्शन के साथ वापस आना चाहता है, यानी कि सामने चीजें हैं बट वो उसको परफेक्ट नहीं लग रही हैं, उनको वो परफेक्ट करना चाहता है। चूंकि कप के कार्ड हैं तो रिलेशनशिप है, और वो उन रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए वापस जा रहा है, और फिर वो वापस इस रिश्ते में जरूर आएगा। ठीक है, राहु का कार्ड निकला है। रिलेशनशिप का किसी इगोइस्ट पर्सन के साथ में हो सकते हैं, आपके पर्सन भी आपको थोड़ा सा इगोइस्ट समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना निभाना जो है वो किसी वॉर से कम नहीं है, मतलब यानी कि मुश्किलें बहुत हैं। ठीक है ना,
ये फीलिंग उनकी आपके लिए भी हो सकती है, और लियोज हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ में हो उसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो। आप किसी सिंगल बंदे के साथ में डील कर रहे हो या आपका पार्टनर सिंगल हो, तो एक ऐसा बंदा जो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो आप उससे वो रोमांस, वो जो एक सॉफ्टनेस होती है उसकी उम्मीद मत करिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करता है वो उतनी सॉफ्ट एनर्जी में नहीं होता है। यहाँ पे आपके पर्सन को, आपके लिए भी ये चीज फील हो सकती है कि आप कुछ इस टाइप के हो, उतने सॉफ्ट नहीं हो, या मतलब उस तरह से नहीं हो जो एक लव रिलेशन वाली एनर्जी होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी, आप सिंगल हो या आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, या दोनों तरफ इस टाइप की एनर्जी हो कि जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में है, इस वजह से फोकस टोटली रिलेशनशिप में ना होके और दूसरी चीजों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। राहु का कार्ड है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप में देखिए होगी, लेकिन हाँ आप किसी ईमानदार बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये लियोज के लिए मैं कह रही हूँ कि लियोज एक क्लैरिटी आपको मिल सकती है रिलेशनशिप में, कुछ थोड़ा बहुत आपको मालूम चल सकता है कि जो चीजें आपसे हिडन थी, छुपी हुई थी, वो आपके सामने आ सकती हैं कि हाँ रीजन क्या है। अगर आपसे, आपकी किसी से बात नहीं हो रही है और आपका ब्रेकअप सेपरेशन का मोड चल रहा है या बात नहीं हो रही है, तो आपको कुछ चीजें जो है वो समझ में आ सकती हैं। क्योंकि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में वापस तो आना चाहते हैं लेकिन पूरी तैयारी के साथ, लेकिन इस टाइम पे जो ये समय जो है वो ठीक नहीं है। एम्परर का कार्ड मुझे कभी बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें रोमांस नहीं होता है। एक ऐसे पर्सन को बताता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों को झेला है अकेले, वो एक योद्धा की तरह ही हो गया है। एक रोमांटिक पर्सन नहीं है, बट हाँ वो ईमानदार है, अच्छा है, आपकी देखभाल करेगा। एक मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, कुछ चाइल्डिश एनर्जी नहीं है, कोई यंग एनर्जी नहीं, मतलब एक थोड़ा सा मैच्योर बंदे के साथ में हो सकता है आप डील कर रहे हो। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इस रिश्ते में जाने का मतलब है कि काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेना, और थोड़ा सा मुश्किल जो है वो महसूस कर रहे हैं आपके रिश्ते में आने से, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है आपके पर्सन का, वो मुझे चूज करते हुए नजर आ रहे हैं, एक पाथ को वो चूज कर लेंगे, और डेफिनेटली चेंज आपके रिलेशनशिप में है। लियोज यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दैट का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन होगा। जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी की, कुछ चीजें जो छुपी हुई थी, हिडन थी, वो सामने आएंगी। तो हो सकता है उसके आने से, देखिए डेथ और द बर्ड का कार्ड एक साथ आया है, यहाँ पे टू वेंट्स भी आया है, यानी कि आपके पर्सन जो है किसी एक चीज के ऊपर पक्की तरीके से फोकस कर रहे हैं और उस चीज को पाने के लिए वो कोशिश करेंगे। अब वो क्या हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन पे बेस हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक चेंज जो है आगे आने वाले टाइम में आएगा, बदलाव आएगा जो इस टाइम पे सिचुएशन है। अगर बहुत खराब चल रही है तो मैं ये कहूंगी कि आपकी ये खराब सिचुएशन जो है वो बदलेगी, उसमें सुधार होगा, अच्छे तरफ में जाएगा। बट थोड़ी सी यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है एक ऐसे इंसान की आ रही है जो जानता है कि वो आपके साथ में गलत कर रहा है, और वो जानबूझ के ये सब कुछ करेगा, यानी कि सामने से थोड़ा सा चीटिंग की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मैं बार बार कहती हूँ कि एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो जाती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो उठाई जाएगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 50-50% वाला चांस नजर आ रहा है। थोड़ा सा इस कार्ड को क्लियर करते हैं कि फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया। देखिए परेशानी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है आपका, हो सकता है जो परिस्थितियां बदलें, आप उसके ऊपर बहस करें, तो सामने से चीजें जो हैं वो ठीक नहीं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रही हैं। इस डिवाइन गाइड कीजिए, फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल है, देखिए पैसे का मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जैसा कि आपके पर्सन की एनर्जी ही करियर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के लिए कोशिश, कुछ ऐसा मसला करियर वाइज हो सकता है कि वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में स्टॉप हो जाए, है ना। स्टॉप होने का मतलब है कि पहले वो अपने करियर पे, अपने
पैसे पे फोकस करेंगे, उसके बाद वो रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका नेक्स्ट मूव जो है आपके पर्सन का वो 50-50% कहूंगी, 100% का नहीं कहूंगी। सिचुएशन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में चेंजेस हैं, एक मोड खत्म होगा तो दूसरा मोड जो है वो स्टार्ट होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, चीजें बदल रही हैं, एक साइकिल से आप दूसरे साइकिल में जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है में है तो मैं ये कहूंगी कि स्थितियां बदलेंगी और आप उन परेशानियों से बाहर जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। टिट फॉर टैट वाला कार्ड है, यानी कि अपने जो आप चाह रहे हैं उसको पूरा करने के लिए चाहे आप कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी 50-50% का रेशो मैंने आपको लिया है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है, 100% का यहाँ पे नहीं आया है। आपका यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी 7 of Wands का है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं हैं। थोड़ा सा मैं और क्लियर करूंगी आपके 2 of Wands को। प्लीज यू एंड गाइड कीजिए, 2 of Wands को क्लियर कीजिए। देखिए 2 of Wands को क्लियर करने के लिए द फूल का कार्ड आया है, यानी कि एक नई शुरुआत या फिर रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कह सकते हैं और थोड़ी सी लापरवाही भी कह सकते हैं। अगर उनका फोकस अपने करियर पे ज्यादा है तो आपकी तरफ ज्यादा नहीं होगा, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं बस उस पे चल रहे हैं, बेनियाजी के साथ में, किसी की परवाह नहीं है। ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप बिल्कुल बिंदास होके चल रहे हैं। अगर कोई रिश्ते में है तो ठीक है, हल्का फुल्का एक रहेगा, कमिटमेंट नहीं रहेगी। मैं आपको बता दूं, रोमांस रहेगा, घूमने जा सकते हैं, एक रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं तो बदलाव का समय है, बट थोड़ा सा संभल के चलिए। प्लीज डिवाइन डेथ के कार्ड को क्लियर कीजिए, डेथ के कार्ड को क्लियर कीजिए, डेथ के कार्ड को क्लियर कीजिए। यहाँ पे मैटर हो सकता है मैरिज, शादी का, मैरिज का, फैमिली का हो सकता है। आप किसी फैमिली पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपनी फैमिली के लिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टॉप लगा दे, या फिर ये भी हो सकता है कि साइकिल चेंज हो तो आपका रिश्ता जो है वो उस फैमिली की तरफ बढ़े, वो उन खुशियों की तरफ बढ़े। क्योंकि देखिए ये जो दो कार्ड हैं इसको आप एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी कह सकते हैं। एक चीज खत्म हो रही है, यानी कि एक रिश्ता खत्म हो रहा है और दूसरा रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। ये भी आप कह सकते हैं कि एक रिश्ते में जो बहुत सारी परेशानियां थी वो खत्म हो रही हैं और फिर आपका रिश्ता, अगर ये रिश्ता आपका है तो ये रिश्ता आपके साथ में शुरू हो रहा है। तो मैं इस आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उसको मैं 50-50% दूंगी, यानी कि 50% पॉजिटिव है, 50% अभी आपके फेवर में नहीं है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, क्या कोई, अगर आपका रिलेशनशिप क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो क्या कोई नई एनर्जी आ रही है? अगर आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है? तो चलिए वो चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, अगर लियोज अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो क्या कोई नया रिश्ता, कोई न्यू एनर्जी लियोज की लाइफ में आ रही है? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जिस तरह के कार्ड हैं मुझे कोई न्यू एनर्जी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप, मैं आपको बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे आया है, अगर आप कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, आपको ऑफर आ सकता है, बट आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वाइब्स आपके न्यू रिलेशनशिप के लिए नहीं है, कोई आपको चीट भी कर सकता है सामने से आके,
आपको दुख पहुंचा सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। अगर हाल ही में आपने अपना कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया है, जैसे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, किसी ने ऑफर किया है, तो किसी के दिल में क्या है और सामने से क्या है, ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे समस्या नजर आ रही है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप को क्लियर कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। टावर के कार्ड को क्लियर कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को आप एक केयर चाहते हैं, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आपका हैंगमैन का कार्ड आया है, उलझे पड़े हैं आप काफी हद तक। आप एक केयर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक रिश्ते में कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको खुशी दे, जो आपकी केयर करे और सब तरह से अच्छा हो, ठीक है। दूसरा, आपकी इच्छा है जो भी दुख है तकलीफ है उसमें बदलाव होना चाहिए, एक बदलाव आपके जीवन में आएगा, लेकिन बदलाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है क्वीन ऑफ कप के नीचे, देखिए कितना ऑपोजिट है। इस कार्ड को अगर हम क्लियर करें तो इसका नतीजा यही निकलता है कि आप चाहते हैं कि एक रिश्ता आपके जीवन में बहुत अच्छा सा आए, लेकिन उस टाइप का रिश्ता ये नहीं होगा। ये रिश्ता होगा अपना चलाने वाला, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बेईमानी चीटिंग, एक्शन में ये हो सकता है कि आप दोनों की ना बने और आगे से सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो आप ये कहें कि हाँ चीटिंग है। लेकिन यहाँ पे दो ऑपोजिट एनर्जी है, आप जितना केयरिंग पर्सन चाहते हैं उतना केयरिंग पर्सन आपको नहीं मिल रहा है। सामने से एक ऐसा बंदा मिल रहा है जिसको मालूम है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर भी गलत करेगा। बदलाव है, डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड है तो बदलाव है, उसके ऊपर टावर का कार्ड है, यानी कि चीजें जो है वो ब्रेक हो रही हैं, टूट रही हैं। और ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रहें जो आपको दुख पहुंचाए। एक ऑल ओवर एनर्जी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, कि नेक्स्ट मूव में क्या रहने वाली है। लियोस, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एक ऑल ओवर लव रिलेशन के लिए लियोस की एनर्जी नेक्स्ट क्या रहने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। थोड़ा सा संभल के रहिए लियोस, टेंशन डिप्रेशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है। कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, तो उसमें आप थोड़े से फिक्रमंद रहेंगे, लेकिन अपने आप को उस चिंता फिक्र से बाहर लेके आइए, पॉजिटिव सोचिए। किसी एक रिश्ते में आप स्टक मत रहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब भी कोई पर्सनल रीडिंग लेता है तब भी यही कहती हूँ कि आप रिश्तों में स्टक होना छोड़ दीजिए, अपना ट्रिगर दूसरे के हाथ में देना छोड़ दीजिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं, आप किसी की सारी बातें नहीं मान सकते, उस तरह से दूसरा भी आपकी सारी बातें नहीं मानेगा। और अगर आपको लगता है कि रिश्ता ठीक नहीं है, खराब है, सामने से व्यक्ति बेईमान है, आपको रिश्ते में खुशी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा रिश्ते को ब्रेक दीजिए। लियोस, नेक्स्ट आगे सब अच्छा ही होगा, चीजें बदलती हैं। या आपके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, हम जो व्यूज देते हैं कि आपको ये चीज सही नहीं लगेगी, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है बदलाव आपके लिए अच्छा हो, आपको अच्छा लगे। तो मेरी यही कामना है कि आप सभी के जीवन में खुशियां हों। तो एक छोटी सी जीवन रीडिंग थी लियोस, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद भी व्हाट्सएप करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।